Yes, good morning everyone. I am Rastam Fogart from Rastam Business School, subject physical education. I teach PGT physical education. How are you? आप सभी कैसे हो? चलिए टुडे डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 8 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके और जो लास्ट लेक्चर डिस्कस विद यू टेस्ट एंड मेजरमेंट। व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट, BMI बॉडी मास इंडेक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड सोमेटोटाइप्स, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू WHO सैंडलन। 3 टाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। और स्पिनफोल्ड मेथड फॉर फैट परसेंटेज मेजरमेंट, राइट। चलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। बायोलॉजी की ब्रांच मानते हैं और ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी में बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमें अध्ययन करवाती है। दिस साइंस प्रोवाइड अस ऑफ डिटेल्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, इट्स शेप ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। मीन बॉडी की जितने भी पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल लोअर बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट के बारे में बताते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी हमें सिर्फ बॉडी के पार्ट के बारे में बताती है, बॉडी की शेप, बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी की शेप कैसी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर फैट परसेंटेज कितनी है, राइट। तो ये आपको एनाटॉमी बताती है, जो एक बायोलॉजी की ब्रांच मानते हैं। और बायोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो हमारी बॉडी के बारे में अध्ययन करवाती है, हमारे स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसी है, ओके। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिजियोलॉजी इट इज ए साइंस ऑफ विच डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। वो जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, वो क्या है, फिजियोलॉजी है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो हमें बताती है सिर्फ एनाटॉमी। मीन जो बायो के स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ सकते हैं, वो मीन डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं इसको। ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम, डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, वो काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा मीन जो ब्रीथिंग को इनहेल करते हैं, उसके बाद जो आपकी लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, विंड पाइप बोलते हैं जिसको हम, और मीन लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद में O2 एक्सहेल हो जाती है और सॉरी CO2 एक्सहेल हो जाती है और O2 इनहेल हो जाती है, राइट। इट इज ए साइंस विच डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम, देयर रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गन्स, मीन अदर ऑर्गन्स से रिलेशनशिप है एंड देयर इफेक्ट, और क्या इफेक्ट पड़ता है इन देयर वर्ड ऑफ फिजियोलॉजी, इन अनदर वर्ड सॉरी अनदर इन अदर वर्ड फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलैक्ट्रिकल एंड बायोमैकेनिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यस, अब डिफरेंस देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सिर्फ अगर हम एच को चेंज करते हैं, एच लगाते हैं साइकोलॉजिकल, और दोनों में डिफरेंस एनाटॉमी हम कर चुके और एक साथ में होता साइकोलॉजिकल, आगे आए P
PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी इंक्लूड इन फिजिकल फंक्शनिंग इन अवर बॉडी, बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं फिजिकल फंक्शन, या फिर आपके जो इंटर बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गेन्स है वो काम कैसे करते हैं। लेकिन जो आपका साइकोलॉजी का है ये आपका वैज्ञानिक मानते हैं, मनोविज्ञान मानते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, PHYSIOLOGY आपका साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजिकली रिलेटेड और साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रिलेटेड या साइंस ब्रेन से रिलेटेड बोल सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड बोल सकते हैं साइकोलॉजी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, इन व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। और डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इट इज स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, मीन माइंड का अध्ययन करना या फिर आत्मा का अध्ययन करना वो सब क्या है साइकोलॉजी है। लेकिन हम बात करें सिर्फ फिजिकल फिजियोलॉजी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस देख चुके हम। एनाटॉमी सिर्फ आपके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी शेप के बारे में बताती है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है वो फिजियोलॉजिकल आपके जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में, उसकी स्टडी के बारे में अध्ययन करवाती है। और जो साइकोलॉजिकल है इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, और साइंस आपके नेक्स्ट चैप्टर में साइकोलॉजी स्पोर्ट्स, मीन साइकोलॉजी भी क्यों जरूरी स्पोर्ट्स के अंदर, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जिसके बारे में सिर्फ बायो से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वो काम कैसे करते हैं ऑर्गेन्स, उसके बारे में बताया गया है। तो जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है बायो के लिए भी और साथ ही फिजिकली भी, और बॉडी से के बारे में नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर। एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी दोनों एक दूसरे का रिलेशन कैसे है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोजली इंटररिलेटेड फील्ड ऑफ हेल्प टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, मीन जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स है वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में क्या बताते हैं, और दोनों का एक गहरा रिलेशन बताते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोज इंटररिलेटेड फील्ड एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, जो डिफरेंट प्रकार के सिस्टम है उनको बिल्कुल ही एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज मानते हैं, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट का अध्ययन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, मेन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के अंदर किस प्रकार के सिस्टम है वो काम कैसे करते हैं वो आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो बॉडी के अंदर किस प्रकार के सिस्टम है और उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे। पर स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड टू बोन, रिलेटेड टू ज्वाइंट, रिलेटेड टू कार्टिलेज। मीन क्वेश्चन वन क्वेश्चन फॉर यू, टोटल बोन इन योर बॉडी, टोटल बोन इन योर बॉडी रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी के अंदर कितनी बोन है टोटल, तो आपकी क्या है मीन अगर बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग अगर एडल्ट एज की बात करते हैं तो आपका 206, अगर आप स्केलेटल सिस्टम में
टोटल बोन इन आवर बॉडी इन साइड ओल्ड एज साइड ओल्ड एज तो आप क्या है अबाउट 300 एक जो चाइल्ड हुड एज है, चाइल्ड हुड किस एज को बोल सकते हैं जो आपकी 11 ईयर से कम हो, 10 ईयर से कम हो। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्ड हुड एज, मिडिल चाइल्ड हुड एज एंड लेटर चाइल्ड हुड एज। जो हम फिजिकल एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंट चैप्टर के अंदर जा चुके मीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। स्केलेटन सिस्टम टोटल बोन इन योर बॉडी इन चाइल्ड हुड एज अबाउट 300 और अडल्ट एज 206। 206 बोन अडल्ट एज के अंदर या एडोलेसेंस पीरियड के अंदर होती है और 300 अबाउट आपकी जो बचपन अवस्था है, जो चाइल्ड हुड एज है उसके अंदर मिलती है। जो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है उससे रिलेटेड है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन ज्वाइंट एंड कार्टिलेज एटीसी। जो आपका स्केलेटन सिस्टम है हड्डियों से रिलेटेड है उसके अंदर आपका बोन आ सकती है, ज्वाइंट आ सकता है, कार्टिलेज आ सकता है। ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट मीन जो टाइप ऑफ ज्वाइंट इन योर बॉडी, टाइप ऑफ ज्वाइंट इन अवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के ज्वाइंट है। चलिए आंसर दीजिए, अपने माइंड में आंसर कीजिए, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। Yes, three types. Mobile joint, immobile joint and firmly mobile joint. तीन प्रकार के जोड़ है। अगर वैसे हिंदी बात करते हैं जिसके अंदर आपके सिथर जोड़ जिसको बोलते हैं immobile joint, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती इसके अंदर। Mobile joint कम हलचल गति वाले जोड़ और फिरले मोबल ज्वाइंट फुल हलचल या तेज गति हलचल वाले जोड़। ज्वाइंट्स की बात करते हैं, ज्वाइंट्स के अंदर जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट इट आल्सो नोन एज बोथ सॉकेट ज्वाइंट और इट आल्सो नोन एज फिरले मोबल ज्वाइंट। बोन 206 ज्वाइंट एंड कार्टिलेज पीटीसी इट प्रोवाइड डेलिकेट ऑर्गेन्स गिव द जंक्शन टू द स्केलेटल मसल्स और साथ में जो आपकी स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी को सेफ प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा देता है और स्केलेटल मसल और साथ में जुड़ी रहती है इसके साथ स्केलेटल मसल्स। अगर टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स इट आल्सो नोन एज वॉलंटियर मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। उसको हम वॉलंटियर मसल बोलते हैं या फिर स्केलेटल मसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैंड्स एंड लेग मसल्स इट आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, राइट। सेकेंड मस्कुलर सिस्टम या बोल सकते हो मांसपेशियों का तंत्र। सेम एज इट इज इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स टेंडन लिगामेंट एटीसी। जहां पर हम डिस्कस कर चुके स्केलेटल सिस्टम में बोन ज्वाइंट एंड कार्टिलेज, बोन वन
joint, second, third cartilages. But include muscular system, tendon 1, ligament 2, muscle 3. Muscular system, which also include different organs, muscles, tendon, and ligament. Muscles, total muscles in your body. One marks questions, important questions. Total muscles in the body. Before this is about total bone in your body, 206 in adolescent period, adult age, and later childhood age, your childhood age 300 above. Now discuss total muscles in your body. Total muscles in our body. Total muscle in your body 639. Types of muscle, 3 types: tendon, ligament, etc. Mean आपका जो muscular system है वो tendon include है. Tendon का एक महत्वपूर्ण relation है body के अंदर. Muscles, tendon, ligament. Ligament जो joints को जोड़ने काम करता है और muscles के साथ attach है. It provide movement of body through its contraction. Contraction in functional gati, gati paida karte hain. And individual single movement help to muscles. Mean muscles ki help se hi body ke andar single movement provide hoti hai. Single muscles ya single muscles ya aapki jo muscles se hi body ke andar single movement hoti hai. मसल्स के बिना या मसल्स के बगैर किसी बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी. तो महत्वपूर्ण रोल है ये जिसके अंदर आपकी मूवमेंट प्रदान करती है मसल्स, जिसके अंदर आपका वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं वो मसल्स के ऊपर ही एक्शन होता है तभी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है. और अगर इस बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपकी क्या है पावर अच्छी है या फिर मसल के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी. सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड टू हार्ट इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट एटीज मीन ब्लड से रिलेटेड है ब्लड वेसल से और हार्ट से. अगर हार्ट की बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के जिसके अंदर आपका हार्ट होता है जिसके अंदर आपके 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर के अंदर जो सेप्टम है वो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. अगर हार्ट की वेट की बात करते हैं तो आपका 280 से 300 ग्राम 280 ग्राम टू 300. तो आपका ये क्या है हार्ट का वेट है 4 मेल के लिए. अगर वुमेन की बात करते हैं 230 से 250 मैक्सिमम 280. और अगर किसी का हार्ट का साइज या किसी के हार्ट का वेट 300 अबव है उसको बोलते हैं एथलीट हार्ट. लिसन केयरफुली, हार्ट वेट अबाउ 300 ग्राम इट आल्सो नोन एज एथलीट हार्ट.
एथलीट है 300 ग्राम से अगर वेट ज्यादा है का, तो उसको बोलते हैं एथलीट हार्ट। और वुमेन के अंदर बात करते हैं, दोनों के अंदर वेट भी रहते हैं, मेल के अंदर 282 ग्राम, फीमेल 232-260 दे सकते हैं एवरेज, 232-260। तो ये हार्ट के आपके जो फोर चैम्बर होते हैं जिसके अंदर सेक्टम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और हार्ट की वेट की बात की, मेल के लिए फॉर 280-300 ग्राम एंड फीमेल फॉर वेट 232-60। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गेन्स लाइक लंग्स, ट्रेकिया, एल्वोए एटीसी। इट आल्सो हेल्प टू एनर्जी प्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है रिलेटेड टू हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू ब्रीथिंग, श्वास लेने से, जिसको बोलते हैं रक्त संचार तंत्र, श्वास को अंदर ले जाना, या फिर बोल सकते हैं आपको इनहेल ब्रीथिंग एंड एक्सहेल ब्रीथिंग, इट आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फर्स्ट ब्रीथिंग इनहेल इन माउथ एंड नोज, माउथ और नोज के द्वारा हम श्वास को इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपके लेरिंग्स पेरेंग्स, लेरिंग्स एंड पेरेंग्स का फंक्शन क्या है, मीन जब हम एक्सटर्नल ब्रीथिंग लेते हैं, बाहर की श्वास को ग्रहण करते हैं, तो उसके अंदर कुछ जो बिल्कुल एयर है वो क्लीन नहीं होती, साफ नहीं होती, तो उसके अंदर क्या है, जो फेरिंग्स है लेरिंग्स है उसको क्लीन करने का काम करता है, और साथ में जो नोज के अंदर हेयर होते हैं वो भी क्या है, फिल्टर का काम करते हैं, हवा को छानने का काम करते हैं, उसके बाद फिर भी किसी प्रकार की जो कण है या फिर वायु के अंदर या उस श्वास की के द्वारा अगर अंदर जाने से रोकते हैं और वो फेरिंग्स के अंदर जमा हो जाते हैं जो कण है, और उसके बाद लेरिंग्स एंड फेरिंग्स के अंदर जमा होने के बाद जो आपकी एयर है वो विंड पाइप के द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा आपकी ब्रोंचियल में चली जाती है, और ब्रोंचियल के अंदर आपके जो लंग्स हैं जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, जहां पर CO2 को बाहर निकालते हैं और O2 को अंदर ले लेते हैं, वो कंप्लीट आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आपके इससे अगर ऑर्गेन्स की बात करते हैं तो आपके नोज, माउथ, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया या बोल सकते हैं विंड पाइप, ब्रोंचियल्स एंड लंग्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब एंड एल्वियोलाई, जहां गैसों का चेंज होता है। ओके, लास्ट नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इट कंट्रोल द वर्किंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये आपके जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है नर्वस सिस्टम। जैसे आपकी वॉलेंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जहां से मैसेज मिलता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, तो क्या है उसको रोकने का भी काम करता है, और उसी के अकॉर्डिंग कमांड के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाने का भी काम करता है, जिसके अंदर आपकी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज को आदान प्रदान करने का काम करता है। इन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ में हमारी जो इच्छा पर आधारित है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करता है।
नर्वस सिस्टम में थिंकिंग प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपका क्या है फिजिकल वर्किंग भी साथ होता है और साथ में नर्वस सिस्टम भी काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर माइंड में आया हमें ब्रेक को दबाना है या किल्स को दबाना है उसी के अकॉर्डिंग जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड संदेश ब्रेन को देता है ब्रेन से वापस संदेश पहुँचता है और उसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो ये आपको कंप्लीट क्या है नर्वस सिस्टम है। उसी के अकॉर्डिंग आपके ग्लैंडुलर सिस्टम ग्लैंड्स के अंदर बात करते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इट आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होता है जहाँ और एड्रेनल ग्लैंड थायराइड ग्लैंड और साथ में एक्सेलरेटरी सिस्टम के अंदर हम जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेलरेटरी सिस्टम किडनी और स्किन्स ईटीसी और रिप्रोडक्शन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इट हेल्प टू रिप्रोडक्शन ऑफ सॉरी चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मीन चैप्टर आपका फंडामेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एनाटॉमी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताती है लेकिन जो फिजियोलॉजी है और फिजियोलॉजी ऑर्गेन्स काम कैसे करते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस है वो सेफ के बारे में बताती है सिर्फ एनाटॉमी लेकिन जो फिजियोलॉजी है वो बॉडी के अंदर फंक्शन काम कैसे करते हैं वो आपका फिजियोलॉजी बताएगी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे का अच्छा गहरा रिलेशन है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका डिफरेंस है पी एच वाई फिजियोलॉजिकल और पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई वो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर क्लोज ऑफ इंटरनेटेड ऑफ फील्ड ऑफ हेल्थ टू अंडरस्टैंड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स। उसी के अकॉर्डिंग मेन सिस्टम इन अवर बॉडी स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड टू बोन टोटल बोन इन अवर बॉडी 206 एंड अकॉर्डिंग टू द एज चाइल्डहुड एज 300 अबाउट। मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड टू मसल लिगामेंट एंड टेंडन टोटल मसल इन अवर बॉडी 639 सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड ब्लड हार्ट बॉडी जो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है अगर विदाउट मसल्स क्या है किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो सकती बॉडी के अंदर तो आपकी महत्वपूर्ण हेल्प करता है मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है आपका मसल मस्कुलर सिस्टम जिसमें आपके लिगामेंट टेंडन एंड सर्कुलेटरी एंड मसल लिगामेंट टेंडन एंड मसल सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट एटीसी हार्ट के अंदर हमने बात की थी हार्ट फॉर मेल 232-260 एंड फीमेल 232-260 एंड मेल 282-300 ग्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स लंग्स एटीसी इट ऑल्सो हेल्प टू एनर्जी प्रोडक्शन एंड नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व एटीसी कंट्रोल ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। ओके यू आर अंडरस्टूड अगर फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास के अंदर पूछ सकते हो और डाउट क्लास जो फिजिकल स्टूडेंट है उसको क्लास अकॉर्डिंग आपको टाइम दे दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हर एक बच्चा अपने डाउट पहले से रेडी रखे ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और टाइम वेस्ट ना हो। ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे कलरफुल डे ओके।